कौन लोग घुस गए भैया? वो मैंने ना बहुत सारे पैसे जमा किए काम करके, पापा के लिए एक जूता लेना है महंगा। तुम लोग मतलब गंदे कपड़े लेके खरीदने के लिए आ गए? ऐसा मत बोलिए, ये सबके लिए का है। तुम ये जूता क्यों ले रहे हो? ये जूता मैंने लिया ना। अरे नहीं, कोई जूता चीज लेके कोई पूरा जूता गंदा कर दिया। ये लोग को मतलब तो बढ़िया है भाई। हेलो भाई, ये व्हाइट वाला मैंने लिया ना, तुम अच्छा। अरे ये दोनों मैं लूंगा, जैसा जो सब मैं चुप कर, तुम क्यों ले रहा हो? जो सब मैं चुप कर, तुम क्यों ले रहा हो? ठीक है भैया, ऐसा ऐसा मत कीजिए। आप दोनों को धक्का मार के निकाल दूंगा। एक बिहारी मजदूर जब अपने पापा को लेके, पापा का शौक पूरा करने के लिए एक महंगे शोरूम में जाता है जूता खरीदने, तो लोगों का क्या बिहेव रहता है? आज मैं एक बिहारी मजदूर बना हूँ, और सिर्फ ये कहानी बिहार का नहीं है, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु। अब एक बेटा अपने पापा के लिए पैसा जमा करके बड़ा मॉल में शोरूम में जूता खरीदने जाता है, तो शोरूम वालों का क्या रिएक्शन रहता है? क्या वो लोग हम लोग को अंदर जाने देंगे? क्या वो लोग हम जैसे बिहारी मजदूरों को जूता खरीदना अलाउ करेंगे? वही देखना है, पूरा वीडियो जरूर देखना है। और गाइस, ये मेरे आज पापा बने हैं, आज टॉपोडंगल मेरे पापा बने हैं और मैं इनका बेटा बना हूँ, और दोनों मिलकर आज जाएंगे एक शोरूम में जूता खरीदने, और देखेंगे शोरूम वालों का रिएक्शन। पूरा वीडियो जरूर देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आज इस वीडियो में फिर से हम लोगों की मदद करेंगे प्रिया मैडम और मुकुल भाई। अभी तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या होने वाला है, तुमने ट्रेलर टाइटल और थंबनेल में देखा होगा। आज मैं और मेरे पापा यानी कि टॉपोडंगल मिलकर जाएंगे वैन से, लेकिन उससे पहले ये लोग कस्टमर बन के जाएंगे शोरूम में। तो गाइस चलो पूरा वीडियो जरूर देखना, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस अभी मैं हूँ सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के एकदम सेंटर पोजीशन में, तो कहते हैं विधान नगर या फिर उल्टोडांगा। इधर बहुत सारे लग्जरियस गाड़ी की जूते की शोरूम्स है, और हम लोग एक एक करके हर एक शोरूम में हर एक दुकान में जाएंगे, देखते हैं सबसे पहले हम लोग को अंदर कौन जाने देता है, और अगर बाई चांस कोई अंदर जाने भी देता है के बाद तो ये लोग है क्या करना भाई? इंसल्ट करना है भाई, बढ़िया तरीके से इंसल्ट करना है। ये लोग मुझे इंसल्ट करेंगे कि ये गरीब लोग हमारे साथ सेम स्टेटस में कैसे जूता खरीद रहे हैं, और देखेंगे दुकान वालों का रिएक्शन, क्या वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्या इंसानियत जीतती है या फिर अमीरियत। पूरा वीडियो जरूर देखना है, तो चलो पूरा वीडियो जरूर देखना है। अभी जैसे निकलते निकल करके शोरूम ढूंढते हैं, लेट्स गो चलो। तो गाइस मुझे पता है आप लोग वीडियो देखना चाहते हो, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दो गाइस, मेरा जो शूटिंग स्टाइल है ना, वो हम लोग रनिंग करते हैं, जल्दी जल्दी शूटिंग करो, बाहर आउटडोर में शूटिंग करते हैं। और आप सबको पता है अगर हम लोग मैक्सिमम टाइम आउटडोर में शूटिंग करते हैं तो धूप रहता है, डस्ट रहता है, उसमें से काफी स्किन को हार्म पहुंचता है, और इसीलिए अपने स्किन को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाओ स्किन साइंस उपटन फेस वॉश के बारे में। इसीलिए आप सबको बता दो, वाओ स्किन साइंस उपटन फेस वॉश नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने, जैसे कि आलमंड, रोज, सैफ्रन, टर्मरिक के एक्सट्रैक्ट्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही नेचुरल इंग्रेडिएंट है गाइस, जो कि आपके स्किन को एकदम ग्लोइंग लुक देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और गाइस और तो और इसमें रोज वाटर जैसे बहुत सारी चीजें जो कि आपके स्किन को एकदम से डीप क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और ऊपर से तो जैसे कि स्किन में टैन आ जाता है ना, उसको भी लाइट अप करने में ना बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये। तो गाइस सबसे पहले इसका ना एक या दो ड्रॉप अपने हाथ में लेना है, और सर्कुलर मोशन में अपने स्किन में धीरे धीरे जेंटली रब करना है, और उसके बाद इसको बढ़िया से जेंटली धो लेना है, और उसके बाद आप लोग बिफोर आफ्टर कर लेना कि कितना ज्यादा फर्क आता है। और गाइस मैं तो हमेशा से रिकमेंड करता हूँ वाओ स्किन साइंस उपटन फेस वॉश को, तो गाइस इसीलिए मैं हमेशा यूज करता हूँ वाओ स्किन साइंस उपटन फेस वॉश को, ये फेस वॉश बहुत यूजफुल है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आप लोग जा करके परचेस कर सकते हो और बना सकते हो अपने स्किन को ग्लोइंग लाइटर। मिलते हैं वीडियो में, लेट्स यार। बहुत सारा शोरूम से गाइस हम लोगों को ना शोरूम पहले फिक्स कर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जा पाएंगे, क्योंकि कोई रैंडम से शोरूम में जाएंगे फिर मार पड़ेगा भाई, पुलिस आ जाएगी, उसका टेंशन नहीं चाहिए, पुलिस का पंगा नहीं चाहिए। तो लेट्स गो देखते हैं, पहले हम लोग को शोरूम ढूंढना पड़ेगा, और अंकल भी हम लोग के साथ है भाई, मॉल भी है, स्कूल का शोरूम भी है। हाँ। और इधर सामने दो तीन अच्छा स्कूल का शोरूम है। हाँ। तो उसे वहाँ पे भी हम लोग घुस सकते हैं। देखते हैं गाइस, देखते हैं सबसे पहले आसपास में कितने सारे शोरूम है, बहुत सारे शोरूम से गाइस इधर आसपास, इस साइड में बहुत सारे शोरूम से, पूरा शोरूम से इधर। तो गाइस इसीलिए हम लोग थोड़ा जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा शोरूम में हम लोग घुसने देते हैं, लेट्स सी, देखते चलो। हम लोगों ने एक शोरूम मिला है जूते वाला शोरूम, हम लोगों ने सुना है उधर शोरूम में महंगे शूज भाई, महंगे ब्रांडेड शूज मिलते भाई, मतलब लिटरली पूमा, एडिडास, नाइकी, ये सब मिलते हैं। तो मैंने सुना ये टाइम में वर्ल्ड का दुकान खाली रहता है, सबसे पहले उधर चलते हैं, वही वाला शो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब गाड़ी वाड़ी में ना अच्छा नहीं होगा, हम लोग बहुत ढूंढे आसपास में।
सब कुछ तो कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाए ना, तो आसपास में बहुत ढूंढे तो हम लोगों को कोई शोरूम मिला ही नहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा थोड़ा तो ऐसा कुछ करते हैं जो कि कम ऑन है, सुपर शोरूम में इधर जाकर लेना है। हाँ भाई ठीक है ना, इधर से ही चलते, तुम लोग पहले चले जाओ। सबसे पहले मैं और प्रिया घुस जाते हैं, उसके बाद तो भाई चलो, मेरा इनका पूरा ड्रेसअप पूरा प्रॉपर है। एक सेकंड में मिस करोगे ना तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे भाई, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। चलो तो भाई अभी सबसे पहले मैं और प्रिया पहले अंदर घुस जाएंगे, हम लोग भी ऐसे कस्टमर बिहेव करेंगे और ये बंदा भी कस्टमर रहेगा, ये सारे मिलके ही कस्टमर वाले बिहेव करेंगे। मैं आउटसाइडर, मतलब मैं और मेरे पापा आउटसाइडर चलेंगे और देखते हैं, मतलब एकदम लेबर क्लास लोग जब जाते हैं हाईफाई शोरूम में जूते खरीदने, देखते उनके साथ क्या बिहेवियर होता है। लेट्स गो, चलो। तो गाइस प्लान के हिसाब से मुकुल और प्रिया सबसे पहले जाएंगे, उससे भी पहले जाएगा ये कैमरामैन जो कि अंदर जा रहा है, जाकर के पूरा ये कपड़ा देखने का, मतलब कपड़ा जूता ये सब देखने का नाटक करेगा और उसी के साथ कैमरा भी करता रहेगा ताकि किसी को शक ना हो। इसका कैमरा मैंने प्रॉपर हिडन कर दिया ताकि किसी को शक ना हो, मतलब फोन के अंदर ही हिडन कैमरा में ये रिकॉर्ड करता रहेगा ताकि हम लोगों को असली वाला, मतलब रियल वाला रिएक्शन मिल सके, ना कि ये कैमरा देख के अच्छा बनने का नाटक करने वाला, वो सब रिएक्शन हम लोगों को नहीं चाहिए, प्रॉपर रियल वाला रिएक्शन चाहिए। तो एक सेकंड में मिस मत करना, पूरा वीडियो जरूर देखना। तो अच्छा सूदी का होना वाइट वाला? हां देखिए इधर दीजिए, ये वाला। अच्छा ये सब मेंस का है और लेडीज का कोई है क्या? देखिए यूनिसेक्स मिलेगा जो वाइट में, लेडीज को भी बताना बढ़िया है, काल के मंगा रख लेना। ये हाफ प्राइस हो जा रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। अच्छा हाफ प्राइस में सब तो व्हाइट में, तो ठीक है व्हाइट में देख लूंगा, बाकी और दूसरा किसी कलर में ले लूंगा। अरे कौन लोग घुस गए? ओके सुन भैया, वो मैंने ना बहुत सारे पैसे जमा किए काम करके, पापा के लिए एक जूता लेना है महंगा, सपना था हम लोगों, तो क्या जूता देख सकते हैं? तो भाई आप लोग मतलब नीचे किसी दुकान से खरीद लो ना। नहीं वो पापा के लिए नहीं है। अरे भैया मतलब ये लोग आप सुन बेचोगे? नहीं नहीं वो ऐसा कुछ बात नहीं है, वो आप देख लीजिए। अरे भाई तुम लोग नीचे से खरीद लेना, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा प्राइस है इसका? तो ज्यादा प्राइस कम प्राइस का बात है, आप देख लीजिए सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है। हाँ लेकिन भाई जो आपका थैंक यू, धन्यवाद बोले, कोई देख लीजिए, मतलब अभी हम लोग मतलब जिधर से खरीद रहे उधर से ये लोग भी खरीदेगा। हाँ कोई नहीं, यहाँ कोई गरीब पैसे वाला का बात नहीं है, आप देख लीजिए सबके लिए अवेलेबल होगा। धन्यवाद पापा, देखिए ना बहुत सारे ऐसे। अरे भाई तो तुम उस तरफ जाके देखो, स्मेल आ रहा है, ये लोग इधर है ना, हम लोग आइए, हम लोग इधर है, गारंटी से बोल रहा हूँ, ये लोग खरीद नहीं पाएगा, ये मतलब आपका दुकान पूरा गंदा कर देगा। 1600 रुपए है मेरे पास, एक हफ्ता से मैंने जमा किया देख लीजिए। अच्छा गाइस एक चीज के ऊपर तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हम लोग काफी गंदे थे, हमारे कपड़े हमारे हाथ हमारे पाँव पूरा बॉडी में ही गंदा लगा हुआ था। उसके बावजूद जब हम लोग जूते कपड़े टच कर रहे थे, ये दुकान वाला एक वर्ड भी नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। सबको बता दूं ये जितने भी शूज है ये सारे ही ब्रांडेड शूज है, 8,000-10,000 करके एक एक का प्राइस है। तो भाई सल्यूट टू देम भाई, तुम लोग मतलब गंदे कपड़े लेके खरीदने के लिए आ गए? ऐसा मत बोलिए, ये सबके लिए नमस्कार। अच्छा भैया मैं समझ रहा हूं, लेकिन भैया इनका बजट का ही हम दिखा। अरे भाई छोड़ो, तुम ये सब तो क्यों ले रहे हो, ये जो तुम ये कर रहे हो ये तो मैंने लिया ना। अरे नहीं कोई का यहां पर और चीज दे देंगे, कोई वो पूरा जूता गंदा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूरा 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 मांगना जूता गंदा कर दिया यार, देखो गंदा हो गया जूता, ठीक है आपको हम दूसरा पेयर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका बजट कितना है?
200 रुपया लेके आ गया मैं खरीदने का। हम लोग का ड्रेसअप देखो कोई खरीद सकता है, लेकिन अच्छे से कोई ड्रेसअप तो हो सकता है ना। ड्रेसअप का कोई बात नहीं, आप पसंद है तो पापा इधर देखिए ना कितने सारे जूते। आप लोग आज इन लोग को सुबह चोगे तो हमें अभी आपका दुकान से खरीदूंगा नहीं। भैया हम लोग का कस्टमर आपका पैसा नहीं है ना, आप हो जाएगा। देखो अंकल का हाथ देखो, पसंद आ रहा है भाई, वो तुम कभी एफोर्ड नहीं कर सकते, उसका दाम बहुत ही हाई है। 2000 वाला देखते पापा को लगे खरीदने के लिए आ गया भाई। सपना मत देखो भाई, इतना सपना मत देखो, हैसियत बनाओ उसके बाद सपना देखो। सबसे पहले हैसियत बनाओ, ठीक है? ऐसा ऐसा मत बोलिए। आप देख लीजिए आपका रेंज का इधर मिल जाएगा। नहीं भाई, आपका दुकान में दूसरा कस्टमर भी आएगा, वो लोग भी क्या सोचेगा, मतलब इन लोग का लेने का अच्छा ही रहेगा, अच्छा रहेगा ना। देखिए भाई तुम लोग नहीं पाओगे, नहीं बैठे, ठीक है ठीक है, अच्छा लग रहा है। भाई भाई सुनो, तुमका भाई 1600 में तुम्हारा पूरा महीना चल जाएगा। मैं तुमको बोल रहा हूँ इधर से बाहर जाओ, तुम्हारा उधर 230 रुपए में तुम लोग का जैसा भाई सू मिल जाएगा और बहुत अच्छा सू रहेगा। आपका रेंज का यहाँ से नहीं छोड़ो, तुम मत देखो भैया इधर सर। ऐसा कोई बात नहीं है, सभी देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं। तो बोल रहे हैं ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हम लोग का सटा मिल जाएगा, मतलब हम लोग कुछ करके जो सू खरीद रहे ये भी सू खरीद रहेगा। इधर कोई बात नहीं है, कस्टा भी आया भैया, आप ही बोलो ये लोग सू अपोर्ट कर सकता है। नहीं, फुटपाथ हमारे घर है, तो घर है। ना काम कर रहे थे हाँ। रास्ते पे इसलिए बैठे ऐसे मत बोलो, हम लोग का घर है तो हाँ, तो घर में ही जाओ तो ये पैसा देती है तो लेंगे ना, कोई बात नहीं, आपकी पैसा देके दे रहे। नहीं भैया, मतलब आपका देखो रेगुलर हम लोग कस्टमर है, तो मतलब आप ऐसा कुछ करिए भैया, हम लोग चले जाते। नहीं नहीं भैया, भाई खुद ही बोल रहे हैं, वो लोग लेगा तो हम लोग नहीं लेगा भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एक सू खरीदने के लिए आया था, मैं 2-3 सू खरीद लूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, तुम सुनो, ठीक है प्लीज, हम लोग चले जाते। मैं 2-300 मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये लोग जो 1600 रुपए का खरीदने आपके लिए आया था, मैं एक्स्ट्रा आपको आपका जितना बजट है उनका अलग बजट होगा, उस बजट में नहीं। लेकिन भैया मतलब वो लोग मतलब आज खरीदने के लिए वो लोग भी जिद कर रहे हैं, प्राइस में तो नहीं मिलेगा ना ऐसा सुन रहे हैं। हमारे पास बजट दिखा दे, बहुत सारा रेंज में मिल जाएगा आपको, कम रेंज में, ज्यादा रेंज में, आपका रेंज में भी, उनका रेंज में भी मिल जाएगा। हम लोग देखे, हाँ श्योर देखो, श्योर मतलब इन लोग को सू लेना ही है, देखना ही है। आप इधर बैठे, आपको दिखा दे, आप देख लीजिए जो पसंद होगा आप देख लीजिए। भाई कैसे नीचे बैठ के देख रहे, देखो नहीं लेकिन मेरे को ना ये बाइक से ज्यादा ये वाला भी, ये वाला ये देखिए बाबा ये अच्छा है ना, हां बहुत अच्छा है। लेकिन ये कर लो ना, हां ये इसका अच्छा है, ये लुक मतलब तो बढ़िया है भाई। हेलो भाई, ये व्हाइट वाला मैंने लिया ना, तुम ये वाला भी अच्छा है। हां अरे ये दोनों मैं लूंगा, जैसा जो सब मैं पूछ कर तुम क्यों ले रहे हो, जो सब मैं पूछ कर तुम क्यों ले रहे हो, दोनों को धक्का मार के निकाल दूंगा, दोनों को धक्का मार के निकाल दूंगा। प्लीज प्लीज यार, अगर कोई जाएगा तो ये लोग जाएंगे, आप मत जाइए, हम लोग क्यों जाए। ये आप कैसा बिहेव कर रहे हैं लोग के साथ, कैसे बीप करूं मैं लोग। भैया मैं ये सुधो खरीदने वाला था, एक्स्ट्रा पेयर आप लोग का आपके पास है ही सकता है, लेकिन आपका दुकान का भी नाम खराब होगा ऐसा। हम लोग का दुकान का नाम खराब नहीं होगा, हम लोग इनको इनका का हेल्प चाहिए, हेल्प कर देंगे। ये आप पैसा लेके आए हैं खरीदने, इनके साथ ऐसा करने का तो कोई मतलब नहीं। खरीदने के लिए तो दे दिया था, लेकिन फिर से मेरा वाला सूट क्यों पकड़ा भाई, ठीक है सॉरी भाई, हमारा सॉरी से नहीं होता। आप अगर लेना चाहते तो दूसरा दे देते, आप इनके साथ नहीं, इसको दूसरा दीजिए, ठीक है पूरा जूता।
तो गाइस कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग पूरा शूट नहीं कर पाए, लेकिन सल्यूट टू दिस शोरूम एंड स्टाफ, भाई बहुत खतरनाक बिहेव किया इन लोगों ने, सल्यूट टू देम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इंजॉय किया भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई एम एस साइनिंग आउट फ्रॉम इंडिया कोलकाता, पीस आउट।